हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कक्षा 11वीं वालों का रिजल्ट आने वाला है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप लोगों का रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया गया है, आपका रिजल्ट कैसे आने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते जाइएगा। देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले इसे देखें तो ये जो है 9th क्लास का मार्कशीट है, जो कि कल जो है आप लोगों का रिजल्ट जारी हुआ है। इसमें आपका जो है पूरी तरीके से ग्रेडिंग मार्क्स दिया गया है, यानी कि कई सारे बच्चे ये कॉमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे ग्रेडिंग दिया जाए या सिर्फ अंक दिया जाएगा। इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताने वाला हूं, जो भी मन में डाउट है, कंफ्यूजन है, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ध्यान देंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो 11th क्लास का जो एग्जाम्स हुआ है, वो दो टर्म में एग्जाम्स लिया गया। पहला टर्म जो कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे था और दूसरा टर्म जो सब्जेक्टिव पैटर्न पे था, और दोनों का जो फुल मार्क था वो 40-40 था, यानी कि 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव के लिए था, यानी कि टोटल हो गया आपका 80 मार्क्स का एग्जाम्स हुआ। और 10 मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 के लिए था, और 10 मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट का जो है सब्जेक्टिव के लिए था, यानी कि दोनों का मिलाकर हो गया 20 मार्क्स। यानी कि दोस्तों 40 और प्लस हो गया 20, यानी कि आपका 100 अंक का जो है एग्जाम्स हुआ है। 20 मार्क्स जो है ये इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल में है, ठीक है। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव में आप 33 मार्क परसेंट लाते हैं, यानी कि 13.2 अंक लाते हैं तो आप पास है। सब्जेक्टिव में अगर 13.2 मार्क्स लाते हैं तो वो आप जो है पास हो गए हैं। लेकिन रिजल्ट के जो क्राइटेरिया है, रिजल्ट की जो प्रक्रिया है, वो कुछ इस प्रकार है कि आपका जो रिजल्ट बनेगा वो टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस प्रैक्टिकल असेसमेंट का अंक मिलाकर जो है रिजल्ट तैयार होने वाला है। ये नहीं कि आपका सिर्फ जो है टर्म 1 टर्म 2 का जो है जोड़कर जो आपका रिजल्ट बना दिया, ऐसा नहीं है। आपका तीनों का टर्म 1 टर्म 2 और प्रैक्टिकल असेसमेंट, ये सभी का जो है अंक को मिलाकर जो है आपका रिजल्ट जो है बनाया जाएगा। और आप जो ग्रेडिंग अंक देख पा रहे हैं, ये जो ग्रेडिंग प्रोसेसर है कि इतना परसेंट लाओगे तो ये ए प्लस मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा, इस तरीके से जो ग्रेड दिया गया है। तो 11वीं वालों का जो है अंक ग्रेड में नहीं दिया रहेगा, वो जो उसका मार्कशीट होगा वो अंक में निर्धारित की जाएगी, जो कि पिछले वर्ष आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में समझ गए होंगे, छोटी सी वीडियो है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों का जो रिजल्ट है वो ही आने वाला है, क्योंकि अभी जो है वेबसाइट को पूरी तरह से प्राइवेट में रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।